हेलो दोस्तों, मैं हूं हनी शर्मा और आप देख रहे हैं इंडिया डिफेंस बात, जिसमें हम लेके आते हैं देश और दुनिया के डिफेंस से रिलेटेड बड़ी खबरें। तो चलिए जान लेते हैं। दोस्तों, कई समय से यह चर्चा चल रही थी कि भारत अपना दूसरा इंडिजीनियसली एयरक्राफ्ट कैरियर INS विशाल पर जल्द ही काम करना शुरू कर देगा, जो कि INS विक्रांत के बाद भारत का दूसरा स्वदेशी एयरक्राफ्ट कैरियर होगा। तो दोस्तों, इसी से रिलेटेड बड़ी खबर निकल कर आई है। हो सकता है कि भारत इस पर जल्दी काम करना शुरू कर दे आने वाले एक दो सालों में। और दोस्तों, ये सब हुआ है चाइना की बदौलत। इससे पहले विपिन रावत ने स्पष्ट कहा था कि भारत अभी अपने तीसरे एयरक्राफ्ट कैरियर INS विशाल पर काम करना स्टार्ट नहीं करेगा, और ये बात उन्होंने 2020 में कही थी, जब भारत और चाइना के बीच संबंध काफ़ी अच्छे थे। दोस्तों, अगर एयरक्राफ्ट कैरियर की बात करें तो फिलहाल भारत के पास एक एयरक्राफ्ट कैरियर ऑपरेशनल है, जो कि रूस से खरीदा गया INS विक्रमादित्य है। वहीं दोस्तों, भारत द्वारा बनाए गए स्वदेशी एयरक्राफ्ट कैरियर INS विक्रांत के सी ट्रायल चल रहे हैं, और माना जा रहा है कि 2022 तक वह इंडियन नेवी में शामिल हो जाएगा। दोस्तों, इस तरीके से 2022 तक भारत के पास दो एयरक्राफ्ट कैरियर हो जाएंगे। जहाँ भारत ने INS विक्रमादित्य रशिया से 2013 में खरीदा, वहीं स्वदेशी INS विक्रांत 2022 तक भारतीय नेवी में शामिल हो जाएगा। दोस्तों, ये दोनों ही एयरक्राफ्ट कैरियर 40 से 45,000 टन की क्षमता वाले हैं। वहीं भारत का तीसरा एयरक्राफ्ट कैरियर INS विशाल की क्षमता 60,000 टन तक होगी। दोस्तों, आप सभी को पता ही है कि एयरक्राफ्ट कैरियर को रखना और मेंटेन करना दोनों ही काफ़ी कॉस्टली होते हैं। इसी के चलते भारत सरकार ने पहले इसमें इंटरेस्ट नहीं दिखाया। भारत सरकार का मानना था कि एयरक्राफ्ट कैरियर बेसिकली एक अटैक फोर्स के तौर पर काम में आते हैं। वहीं दोस्तों, आज की तारीख में भारत की सबसे बड़ी समस्या सबमरीन बेड़ा बना हुआ है, और भारत सरकार ये पैसा अपनी सबमरीन की संख्या को बढ़ाने में लगाना चाहती थी, क्योंकि दोस्तों बेसिकली सबमरीन को एक डिफेंसिव फोर्स के तौर पे जाना जाता है। वहीं दोस्तों, एयरक्राफ्ट कैरियर काफ़ी बड़े आकार के होने के कारण काफ़ी वल्नरेबल भी होते हैं, जो कि दुश्मन सबमरीन का आसानी से शिकार बन सकते हैं। इसीलिए दोस्तों, आपने देखा होगा जब भी कोई एयरक्राफ्ट कैरियर की फ्लीट निकलती है, उसमें केवल एयरक्राफ्ट कैरियर ही नहीं बल्कि एयरक्राफ्ट कैरियर को डिफेंड करने के लिए फ्रिगेट, डिस्ट्रॉयर, यहाँ तक कि अंडरवाटर सबमरीन भी काफ़ी बड़ी संख्या में मौजूद होती है, जो कि उसको दुश्मन जहाज़ों से बचाने का काम करती है। दोस्तों, एयरक्राफ्ट कैरियर होने से सबसे बड़ा एडवांटेज होता है कि किसी भी देश की अटैक करने की रेंज काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है। दोस्तों, आप सभी को पता ही है कि एयरक्राफ्ट कैरियर पर मौजूद फाइटर एयरक्राफ्ट आसानी से दुश्मन एरिया में जाकर वहां पर हमला करके बिना रिफ्यूलिंग के आराम से उस एरिया में तैनात अपने एयरक्राफ्ट कैरियर पर उतर जाते हैं, जिससे कि उन फाइटर प्लेन की रेंज काफ़ी बढ़ जाती है। दोस्तों, 2022 में बनना शुरू करने वाला INS विशाल भारत का पाँचवा एयरक्राफ्ट कैरियर होगा। इसके पहले 1961 में INS विक्रांत और 1987 में INS विराट एयरक्राफ्ट कैरियर भारत ऑपरेट कर चुका है, और दोस्तों ये दोनों ही एयरक्राफ्ट कैरियर मौजूदा समय में रिटायर्ड हो चुके हैं। इन दोनों ही एयरक्राफ्ट कैरियर को भारत ने यूनाइटेड किंगडम से खरीदे थे। इसी के साथ दोस्तों, 1961 में जब भारत ने यूनाइटेड किंगडम से अपना पहला एयरक्राफ्ट कैरियर खरीदा था, तो उस समय भारत एशिया में पहला वो देश बन गया था जो एयरक्राफ्ट कैरियर ऑपरेट कर रहा था। दोस्तों, एयरक्राफ्ट कैरियर की उपयोगिता का अंदाज़ा आप इस बात से लगा सकते हैं कि 1971 बांग्लादेश की आज़ादी के समय भारत ने बंगाल की खाड़ी में अपना एक एयरक्राफ्ट कैरियर तैनात कर दिया था, जिससे कि पूरे के पूरे पाकिस्तानी नेवी का बंगाल की खाड़ी में होते हुए बांग्लादेश पहुंचना लगभग नामुमकिन हो गया था, जिसके कारण बांग्लादेश में मौजूद पाकिस्तानी सैनिकों को खाने पीने की समस्या के अलावा गोला बारूद की समस्या से भी जूझना पड़ा था। क्योंकि दोस्तों, जब सप्लाई चेन ही ख़त्म हो गई थी, तो ऐसी कंडीशन में पाकिस्तान सैनिकों के पास और कोई चारा भी नहीं बचा था। लेकिन दोस्तों, हमारे देश के ही कई एक्सपर्ट्स का यह भी मानना है कि एयरक्राफ्ट कैरियर फिलहाल भारत की प्रायोरिटी में नहीं होने चाहिए, क्योंकि दोस्तों एक तो इनको ऑपरेट करना काफ़ी महंगा पड़ता है, और दूसरा इनको बनाने में 8 से 10 साल का समय लगता है, जबकि इनका लाइफ स्पान 40 से 50 साल तक होता है, और इस दौरान इन पर लगने वाला खर्च और मेंटेनेंस काफ़ी ज़्यादा पड़ता है। यही कारण है कि दुनिया के गिने चुने देश ही एयरक्राफ्ट कैरियर ऑपरेट करते हैं, और दोस्तों दुनिया में कोई भी देश अमेरिका को छोड़कर 2 से ज़्यादा एयरक्राफ्ट कैरियर को नहीं ऑपरेट करता। वहीं अमेरिका की बात करें तो दोस्तों, अमेरिका इस समय 11 एयरक्राफ्ट कैरियर को ऑपरेट करता है। दोस्तों, उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, और इस तरह के और वीडियो देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए जय हिंद,
जय भारत।